सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 के पेज नंबर 6 के इंटेस्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया हुआ है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन हैं, तो वो हम पूरा करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे उसके फर्स्ट क्वेश्चन पर, पहले जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, के जो केमिकल रिएक्शन आपको दिए रहेंगे आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोजन बेसिकली H2 के फॉर्म में रहता है और क्लोरीन Cl2, ठीक है, ये बनाता है HCl। तो अगर आपको बैलेंस करना आता है तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, नहीं आता है तो देख लो। तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H दो गो है, यहाँ पर H1 है, तो हम यहाँ पर इसको H2 कर देंगे। तो H भी हमारा इधर दो है, यहाँ पर भी दो है। यहाँ पर Cl2 देखिए, Cl2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी Cl2 मतलब Cl जो हमारा वो 2 हो चुका है। तो ये अब हमारा बैलेंस है। अब हम लिखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये इसका फॉर्मूला पहले क्या क्या होता है। तो बेरियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये होता है Al2SO4 थ्राइस। जब भी यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा तो ये हम इसको, जब यहाँ पर 3 रहे तो इसको हम थ्राइस पढ़ेंगे, जब यहाँ 2 रहे तो इसको हम ट्वाइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू, मतलब ये क्या फॉर्म करता है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 प्लस ये है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये हो गया AlCl3। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, पर बैलेंस करने से पहले एक बार जान लो कि जो बैलेंस जब भी हम करते हैं तो बैलेंस करने के लिए हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मान लो अगर हम लोग का गलत हो जाता है कहीं पर तो हम उसे ठीक कर सकते हैं आराम से इसको इरेज करके। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो Ba हमारा, जो बैरियम है, जो Ba हमारा वो इस तरफ भी एक है, इस तरफ भी एक है, तो Ba हमारा बैलेंस है। Cl2 है, इस तरफ Cl2 है, इस तरफ Cl3 है। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर Cl2 है और Cl3 है, तो ये जो 2 और 3 का जब भी रहता है तो हम लोग इसको अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर Cl2 है, यहाँ पर Cl3 है, तो Cl2 के पहले यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और Cl3 से पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देख लो कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ पर जो बेरियम है वो 3 हो गया, 3Ba हो गया, जो Cl है हमारा वो हमारा 6 हो गया, ठीक है, और इस तरफ भी हमारा Cl जो है 6 हो गया। कैसे, 3 2 6, ये हमारा बैलेंस है। अब फिर एल्युमिनियम यहाँ पर हमारा बैलेंस है। कैसे, यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर Al2 है, Al2 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम बैलेंस है। बेरियम बैलेंस है नहीं, रुक जाओ, बेरियम बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस है। अब बेरियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ बेरियम हमारा 3 है और इधर हमारा 1 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेरियम हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बेरियम हमारा बैलेंस है, Cl2 हमारा बैलेंस है, Al2 बैलेंस है। अब SO4 थ्राइस जो है ये देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है, तो हम लोग SO4 थ्राइस को अलग अलग देखेंगे। तो ये S है, सल्फर S, तो S यहाँ पर कितना है, 3 है, ये ब्रैकेट में है, तो यानी कि सब के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पर S हो गया 3। तो यहाँ पर S कितना है, यहाँ पर S भी 3 है। यहाँ पर O4 है, O4 ये ब्रैकेट के अंदर है, 4 वाला ब्रैकेट के अंदर है, 3 बाहर है, तो जो 4 है और 3 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आता है। तो ऑक्सीजन हमारा 12 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है इंटू 3 कर देंगे तो ये भी हमारा 12। देन ऑक्सीजन हमारा, ये हमारा जो है ये जो टर्म है ये बैलेंस हो गया हमारा। तो टोटल जो है हमारा ये हमारा बैलेंस हो चुका है,
ये जो इक्वेशन है हमारा ये बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें है सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो सोडियम है हमारे पास Na, सोडियम का जो होता है सोडियम होता है Na, प्लस वाटर है, वाटर हमारा क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसको बैलेंस करना है, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि H2 के फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पर इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो Na है, पहले देखो Na हमारा दोनों तरफ इक्वल है, Na इक्वल है, देन फिर H2 यानी कि H हमारा 2 है, इस तरफ H2 है कि नहीं है देखते हैं। तो इस तरफ एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर तो H हमारा 3 हो गया, 3 बार H आ गया यहाँ पर। अब कैसे करेंगे, ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा Na Na, ठीक है, H2 H2, यहाँ पर H एक एक्स्ट्रा भी, यहाँ पर इसको ध्यान रखना। पर उससे पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अपन ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट क्या बैलेंस नहीं है, यहाँ पर हमारा बस एक ही चीज़ बैलेंस नहीं है जो कि हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इस तरफ 2 से, तो ये H हमारा 4 हो गया। अब आप पहले देखते जाओ तब सब, अब अपने आप लोग समझ जाओगे इसको। यहाँ पर H हमारा 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर एक 1 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर हमारा H2 H2 यानी कि 4H हो गया। तो ये 4H हो गया यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी 4H हो गया, 2 2 4 4H। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज आए है इसमें, वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो Na है, Na यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, मतलब सॉरी बैलेंस करेंगे इसको। तो यहाँ पर Na है 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा Na बैलेंस हो गया है। H2 देख लेते हैं, H2 हमारा बैलेंस है, अब क्या बैलेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा O इंटू, मतलब यहाँ पर O हमारा 2 है, O हमारा 2 है, तो ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरा मैंने बताया है ये आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।